आज की वीडियो में बताएंगे, अगर आप अपने पास सैमसंग का फ़ोन है एंड उसमें अगर आप कॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको लिखा आता है कुडंट कनेक्ट, लिखा आता है कुडंट कनेक्ट की प्रॉब्लम आपको आती है सैमसंग फ़ोन में मेनली। अलग अलग डिवाइस में भी आ सकती है बट सैमसंग के फ़ोन में इस तरह की मेन जो प्रॉब्लम है देखी जाती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊँ, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, कुडंट कनेक्ट कॉल करने पर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इसके कई सारे रीज़न होते हैं, मेनली दो तीन रीज़न होते हैं, उसको आप देखिए कि आप मतलब आपका क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है प्रॉब्लम नेटवर्क की ही आती है। तो सबसे पहले आपका नेटवर्क देख लीजिए, अगर आपके पास बिल्कुल नेटवर्क नहीं है या फिर बहुत वीक नेटवर्क है आपका जो भी सिम है, तो उसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा वीक नेटवर्क है तो उस केस में जो है कुडंट कनेक्ट लिखा आता है, आपकी कॉल जो है नहीं लगती है, ना तो कोई रिंग वगैरह बजेगी और ना कोई वहाँ से मतलब रिस्पॉन्स आएगा, कुडंट कनेक्ट लिखा कर डायरेक्टली आपकी कॉल जो है एंड हो जाती है, कॉल बंद हो जाती है। तो नेटवर्क आपको देखना है आपका मतलब ज़्यादा है या नहीं, अगर नेटवर्क कम है तो उस केस में आपको जो है आपका नेटवर्क बढ़ाने के ऊपर काम करना है। उस केस में क्या करेंगे, आप अपने फ़ोन को एक बार एरोप्लेन मोड पर लगा देंगे, ठीक है, ऑफलाइन मोड या फिर एरोप्लेन मोड जो भी ऑप्शन आपके फ़ोन में है तो उसे इनेबल कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, एंड फिर जो है अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड ऑफलाइन मोड से निकाल लीजिएगा, एंड देन फिर से चेक कीजिए आपकी कॉल लग रही है या फिर नहीं। अगर फिर भी अगर आपकी कॉल नहीं लग रही तो उस केस में आपको नेटवर्क की इशू हो सकती है, लेकिन किसी केस में जो है अगर नेटवर्क फुल है फिर भी अगर आपको कॉल नहीं लग रही तो उस केस में आपको दूसरा तरीका ये करना है कि आपको फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करना है, यानी फ़ोन को बंद करना है और फिर से चालू करना है। कभी कभार नेटवर्क फ्रीज वगैरह हो जाता है तो उस केस में भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है, कुडंट कनेक्ट लिख कर आता है और कॉल एंड हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभार जो है नेटवर्क भी ठीक होता है फिर भी अगर आपको इस तरह की दिक्कत आती है तो उस केस में आप ये करेंगे कि आपके फ़ोन में दो सिम कार्ड होंगे तो उस जो दूसरा सिम कार्ड जो मेनली आप जिससे कॉल कर रहे हैं बस उसी को इनेबल रखेंगे, बाकी जो दूसरा सिम कार्ड है उसको बंद कर देंगे। या फिर अगर आपने फ़ोन में सिर्फ एक ही सिम कार्ड है बट आपने अगर सिम जो स्लॉट होता है उस अगर दो में लगा रखा है तो उसे एक में लगा दीजिएगा, क्योंकि जो मेन सिम होता है वो एक में होना चाहिए, कभी कभार इससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो वो भी चेक कर लीजिए कि आपका सिम स्लॉट टू में तो नहीं है, अगर है तो उसे वन में लगा दीजिए। एंड ये जो प्रॉब्लम है कभी कभार कंपनी की तरफ से भी आती है, नेटवर्क वगैरह फुल होता है बट कंपनी का जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है, तो सर्वर अपने आप ठीक हो जाएगा एक दो घंटे बाद, तो वेट कीजिए सर्वर फिक्स हो जाएगा, या फिर आप जो है मतलब आपका सिम वगैरह चेक कर लीजिएगा सही से आपने फ़ोन में लगाया है या नहीं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।